जंगल में गरीब लोग रहते हैं, जंगल में जानवर लोग रहते हैं, जंगल में उसी जानवर में शेर लोग भी रहते हैं। शेर को घर में रखा जा सकता है, वो रखना चाहते हैं, लेकिन जब शेर आता है तो दहाड़ता है। और आने वाला बहुत कम दिन बचा है जो शेर मेरा आ रहे हैं दिल्ली से और दहाड़ेंगे लोगों के ऊपर और सभी लोग अपने अपने जंगल की ओर बिल में घुस जाएंगे। कमीशन को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर लगातार सरकार से भी आप मिले हैं, विपक्ष होने के नाते आपने मंत्री को पत्र भी भेजा है। सरकार से हम लोग मिले नहीं हैं, सरकार हम लोग को सहायता कर रही है, हम लोग को सहयोग कर रही है, इसलिए कि हम लोग का जो कार्यक्रम है सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए है। और वो जहां हैं उनके माध्यम से सभी लोग को सुख सुविधा नहीं प्रदान किया जा रहा है, इसलिए अंत हार करके उनके मन में ये विचार आया है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वहाँ बाकी है लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा है, इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए। ललन सिंह ने कल आनंद सिंह का जयकारा लगा है उनके पार्टी कार्यालय में, उस पर क्या कहेंगे? उनके स्वागत में ही आनंद सिंह का जयकारा लगा। देखिए, ये उनकी पार्टी का कार्यालय का मामला है, 14-15% अकेलियत समाज के लोग, उसके बाद जो भी लोग हैं एससी एसटी ओबीसी से संबंधित लोग हैं, मान के चला जाए कि 70-75% ओबीसी लोग जो आते हैं एससी एसटी या ओबीसी, उनके मानक के द्वारा सुविधा नहीं दिया जा रहा है, ये बेईमानी है। हमारे हिंदुस्तान के जो भी समाज के लोग आते हैं उनके साथ, इसीलिए हम लोग रोड पर आए हैं कि जो भी है हमारे हिंदुस्तान का जाति का मानक, जाति का जनसंख्या, उसी के आधार पर हम लोग को, जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या को लोगों के बीच में लाया जाए और उसी के आधार पर हम लोग को सुख सुविधा दिया जाए।